बहुत बार ट्रेडर्स इस प्रश्न के साथ आते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, तो यहाँ ट्रेडिंग सीखने की जरूरी बातों को समझेंगे। ट्रेडिंग के कुछ नियम होते हैं जिससे आपको अवगत रहना चाहिए, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला है ट्रेडिंग योजना बनाना। ट्रेडिंग करने से पहले एक ट्रेडिंग योजना बनाना काफी बेहतर उपाय है। आप ट्रेडिंग करने से पहले एंट्री करने व बाहर निकलने का समय तय करने को शामिल करना आवश्यक। सही योजना बनाने से आपको ट्रेडिंग के दौरान काफी मदद मिलती है। ट्रेडिंग को व्यापार की तरह समझें। ट्रेडिंग से सफल होने के लिए आपको इसे एक व्यापार की तरह समझना चाहिए। अगर आप इसे जॉब समझते हैं, यह तनाव पैदा करता है, क्योंकि इसमें जॉब की तरह नियमित तौर पर वेतन नहीं मिलता है। ट्रेडिंग एक व्यापार की तरह रिस्क शामिल है, इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप ट्रेडिंग करने से पहले आवश्यक रिसर्च करें। तीसरी बात, अपनी क्षमता के अनुसार जोखिम लें। आपको ट्रेडिंग में निवेश करने से पहले अपनी क्षमता के अनुसार जोखिम लेना चाहिए। चौथी बात, स्टॉप लॉस का उपयोग हमेशा करें। स्टॉप लॉस ट्रेडर के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसका उपयोग आप ट्रेडिंग के दौरान कर सकते हैं। शेयर मार्केट में गिरावट आने पर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। नए लोगों के लिए स्टॉप लॉस समझना आवश्यक है, जिससे यह सही ट्रिगर प्राइस दर्ज करके अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं। पांचवी बात, तथ्य के आधार पर अपनी समझ को बढ़ाएं। ट्रेडिंग करने से पहले आपको जरूरी रिसर्च करना आवश्यक, जरूरी रिसर्च के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें।